नमस्कार मित्रों, ई स्प्रिट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। इस वीडियो में आज हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्ष 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाले दिनों में आपको हमारे वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए कैसा रहेगा 2021। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका भाग्यांक यानी कि लकी नंबर क्या है। अंक 1 से 9 तक लकी नंबर माने गए हैं, जो कि आपकी जन्म की तारीख, महीना और वर्ष से तय होता है। आपका भाग्य कैसा है, इसके लिए आपके लकी नंबर का होना ज़रूरी है। लकी नंबर से ही पता चलता है कि आपके जीवन में कब क्या घटने वाला है। तो क्या आपको अपना लकी नंबर पता है? यदि नहीं तो हम आपकी सहायता कर देते हैं। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1974 है, तो हम इसके लिए हम दिन, महीना और साल तीनों चीज़ों की गणना अलग अलग से करेंगे। सबसे पहले तारीख, जो कि 29 है, इसे जोड़कर 2 + 9 = 11 बना दें। इसके बाद महीना दिसंबर है, जो कि साल का 12वां महीना है, जो कि अंक 12 है। अंत में वर्ष है 1974, इसे जोड़ने पर 1 + 9 + 7 + 4 = 21 बनता है। अब अंत में हमारे पास 3 अलग अलग अंक आ गए, जो कि इस प्रकार हैं 11, 12, 21। अब इन 3 अंकों को भी जोड़ लें, 11 + 12 + 21, तो तीनों अंकों का योग 44 बनता है। लेकिन लकी नंबर के लिए हमें अकेला नंबर चाहिए, तो एक बार फिर 44 को भी जोड़ देते हैं, 4 + 4, अब हमें 8 अंक मिलता है, जो कि 29 दिसंबर 1974 को जन्म लेने वाले व्यक्ति का भाग्यांक यानी कि लकी नंबर हुआ। इस तरह से आप भी अपना लकी नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको आपके लकी नंबर के अनुसार जानकारी देने वाले हैं कि वर्ष 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष 2021 का कुल योग बनता है 5, 2 + 0 + 2 + 1 = 5। अंक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। इसके साथ ही अगर हम वर्ष 2021 के अंकों पर भी ध्यान दें तो पाएंगे इसमें 2 का अंक 2 बार आया है और 1 का अंक 1 बार आया है। अंक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है और अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि साल 2021 अंक 5 के अलावा अंक 2 और अंक 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष कई बदलाव देखने को मिलेंगे, तो आइए जानते हैं कि जिन लोगों का भाग्यांक यानी कि लकी नंबर 9 है, तो उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021। अंक 9 के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी भी मंगल हैं। लकी नंबर 9 वाले लोगों के लिए साल 2021 में लाभ के अनेक मौके आएंगे, लेकिन इन मौकों का
आप कितना लाभ उठा पाते हैं यह आप पर ही निर्भर करेगा। इस वर्ष कई ऐसे अवसर आएंगे जिनमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे तो आप सबसे पहले अपने खर्चों पर लगाम लगाइए, नहीं तो परिणाम परेशानीजनक हो सकते हैं। मूलांक 9 वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए साल 2021 अच्छी शुरुआत लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में ही आपका प्रमोशन और वेतन वृद्धि होने की संभावना है। मूलांक 9 वाले जो जातक अपना बिजनेस करते हैं उन्हें साल की शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम में घाटा होने की वजह से आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आपके बिजनेस में विस्तार के साथ साथ आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। शेयर बाजार तथा सट्टा व्यापार में निवेश करने वालों को भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो साल 2021 में आपकी पारिवारिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने के संकेत हैं। जीवन साथी के साथ अनबन होने के साथ ही परिवार में भी विवाद हो सकता है। इस वर्ष आप कोई नया घर या प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसके चलते परिवार के ही कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके खिलाफ गॉसिप करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आपके मानसिक शांति को भंग कर सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मूलांक 9 वालों के लिए ये साल सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि ऐसे कई मौके भी आएंगे जब तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी एवं आपसी संबंध की गहराइयों से ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर विश्वास में कमी आई तो भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो वर्ष 2021 में आपको कई अजीबोगरीब परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष अपने पार्टनर को लेकर कुछ ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। पार्टनर के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जहां आपके बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी। इस साल आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है जिसके चलते आपका रिश्ता गलतफहमी या अफवाहों का शिकार हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप वर्ष की शुरुआत से ही काफ़ी मेहनत करेंगे और पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अच्छे परिणाम आपको वर्ष के अंत में प्राप्त होंगे। यह साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप उनमें सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे। हेल्थ और फिटनेस की बात करें तो साल 2021 में लकी नंबर 9 वाले जातक एकदम फिट रहेंगे, जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही मन में सकारात्मक विचार भी आएंगे। हालांकि मौसम में परिवर्तन के समय होने वाले संक्रमण से आपको बचना है। आपको कभी कभी घबराहट या मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और खाने पीने की आदत में थोड़े बदलाव करने होंगे। आपको जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। खाना समय पर खाएं, सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम एक्सरसाइज या रनिंग करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। आपके लिए शुभ दिन मंगलवार और शुक्रवार है और हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख शुभ है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।
किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।